हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 72, जहां पर नरेशन को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में देखा कि अगर डायरेक्ट स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फ्यूचर के सारे कॉलम आ रहे थे तो उसको हम लोगों ने इनडायरेक्ट में कैसे बदला था। आज उसी लेसन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैन, कुड, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, हैड टू ऐसे शब्द आ गए तो उस कंडीशन में उसे इनडायरेक्ट में कैसे करना होगा। ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कैन मिला होता हमें या फिर मे, या फिर यहां पर क्या लिख किया होता, कुड, या फिर माइट, MIGHT, या फिर यहां पर हैज टू या फिर हैव टू, दोनों में से कुछ एक तो हैज टू या फिर हैव टू या फिर हैड टू होता, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इस बात को आप समझिए। तो डायरेक्ट में हमें क्या मिलेगा, कैन। जब भी बात आएगी कि डायरेक्ट में हमें कैन मिला है तो उसको इनडायरेक्ट करते समय हमें कैन को कुड में बदल देना होगा, यानी अगर कैन लिखा है तो उसको आपको कुड में बदलना है। और अगर मे लिखा होता तो मे को हम लोग क्या कर देते, माइट में बदल देते। लेकिन अगर कुड ही लिख के आ जाए तो इस कुड को नहीं बदला जाता, यानी कुड का कुड और माइट का हमें क्या लिखना होगा, माइट ही लिखना होगा, ये भी नहीं बदलता। हैज टू और हैव टू लिख के आएगा तो इस हैज टू और हैव टू दोनों को हमें किस में बदल देना होगा, हैड टू में। लेकिन अगर हैड टू ही लिख के आ जाए तो ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर दो बार हैड लिखना होगा और हैड टू को बदलना होगा किस में, हैड हैड टू में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि अगर कैन लिख के आएगा तो कैन को कुड में, मे को माइट में, कुड को कुड ही रहने देंगे, माइट का माइट रहेगा, हैज टू और हैव टू को हैड टू में बदलना होगा और हैड टू को हमें किस में बदल देना होगा, हैड हैड टू में। फ्रेंड्स, एक बात को यहाँ पर माइंड कीजिए, ये जो हैज टू और हैव टू है ना, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस माना जाता है। हम लोगों ने देखा था कभी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रखनी होती थी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग एड करते थे। तो यहाँ पर माइंड करना कि हैज टू और हैव टू, टू जो है दोनों के साथ एड किया जाएगा। जहां पर ये हैव हमारी क्या होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और ये हैव हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। और ये सेंटेंस हमारा कहाँ का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम लोगों ने ये देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म ऐड करते हैं, लेकिन जैसे ही बात पास्ट इंडेफिनिट की हो जाएगी तो हमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी होती है, सेकेंड फॉर्म। तो हम लोगों ने नरेशन में यही तो देखा था कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो उसे हमें पास्ट इंडेफिनिट में बदलना होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हैज और हैव दोनों को सेकेंड फॉर्म में बदलना होगा, तो क्या हो जाएगा, वो हैड टू हो जाएगा। इसी की वजह से हैज टू और हैव टू लिख के आने पर उसे हम हैड टू में बदल देते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड्स हैड टू ही लिख के आ जाए, अब हैड टू लिख के आएगा तो सेंटेंस हमारा कहाँ का हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा। और पास्ट इंडेफिनिट को हमें किस में बदलना पड़ता है, पास्ट परफेक्ट में। अब जो पास्ट परफेक्ट होता है उसकी हमारी सहायक क्रिया क्या होती है, हैड होती है, और हैड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अभी जो हैज हैव होता है इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो भी हमारी क्या होती है, हैड होती है। बस इसी की वजह से हैज टू हैव टू को हैड टू में और हैड टू को हैड हैड टू में बदला जाता है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अब फ्रेंड्स, मैं इन सारी चीजों को इरेज करता हूँ और एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, सी है। अगर मैंने आपसे कहा होता है ही सैड टू मी और उसके बाद उसने कह दिया कि आई कैन प्ले क्रिकेट, तो आप ध्यान से देखिएगा उसने क्या कहा, आई कैन प्ले क्रिकेट। तो कोई लड़का है जो मेरे पास आता है और वो कहता है कि आई कैन प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट खेल सकता है कौन, ये लड़का ना, क्योंकि ये लड़का था जो मेरे पास आया और उसने कह दिया आई कैन प्ले क्रिकेट,
तो क्रिकेट तो वही लड़का खेल सकता है। अब इसे हमें क्या करना होगा, इनडायरेक्ट में करना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कॉपी किया, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और इस सेट टू को हमने किस में बदल दिया, टोल्ड में बदल दिया। ठीक, इसके बाद ये जो मी था यानी हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, उसको भी हमने कॉपी किया। इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हमें क्या रखना होगा, यहाँ पर दैट रखना होगा। अब इस आई का रिलेशन बनाते हैं, तो आई का रिलेशन किससे बनने वाला है, ही से, तो यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, ही। और कैन को हमें किस में बदल देना होगा, गुड में। बाकी सारी चीजें आपको कॉपी ही करनी है और तो कुछ करना नहीं। तो हमारा सेंटेंस बन चुका है, देखिए ध्यान से कि ये थी डायरेक्ट स्पीच और ये हमारी क्या हो गई, इनडायरेक्ट स्पीच। और क्या बनी, ही टोल्ड मी दैट ही कुड प्ले क्रिकेट। तो डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, इनडायरेक्ट कर दिया। अब इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसमें कैन की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, कुड। तो फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस होता कि ही सेड टू मी और उसके बाद उसने कह दिया आई कुड प्ले क्रिकेट, तो माइंड कीजिएगा जो कुड होता है वो तो चेंज किया नहीं जाता। तो ये जो हमारा डायरेक्ट स्पीच थी, इसको अगर मैं इनडायरेक्ट करूंगा तो भी मैं यही लिखूंगा और क्या बोलूंगा, ही टोल्ड मी दैट ही कुड प्ले क्रिकेट। इसमें फ्रेंड्स एक एग्जांपल मैं और लेता हूं और एक सेंटेंस में नया लिखने जा रहा, देखिएगा, ही सेड टू मी और उसके बाद उसने कह दिया क्या, इट मे रेन। तो उसने क्या कहा मुझसे, कि बारिश हो सकती है, ऐसा उसने मुझसे कहा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट, इतनी चीजें तो बिल्कुल कॉमन है, उसको आप बिल्कुल बिना सोचे समझे रखते जाए। अब इसके बाद देखिएगा, ये जो इट था ना, इसका रिलेशन तो किसी से बनेगा नहीं, ये तो मौसम के लिए यूज किया गया था, तो इसको हमें चुपचाप क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। और ये जो मे था ना, इसको किस में बदलना होगा, माइट में बदलना होगा। फिर क्या लिखना होगा यहाँ पर, रेन। तो आप फिर से देखिए, ये थी डायरेक्ट स्पीच और ये हमारी क्या हो गई, इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या बोला मैंने, ही टोल्ड मी दैट इट माइट रेन, और अगर ऊपर माइट लिख के आता तो फिर उसको बदला नहीं जाता। एक एग्जांपल और देखते हैं, जहां पर बाद में हैज टू और हैव टू की करने वाला हूं। इसी सेंटेंस को देखिएगा और समझिएगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा और उसके बाद उसने कह दिया, क्या कहा देखिएगा, आई हैव टू डांस, ऐसा उसने मुझसे कहा। अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट और आई का रिलेशन किससे बनेगा, इससे बनेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या रखना होगा, ही और हैज टू और हैव, तो दोनों को किससे बदलते हैं हम लोग, हैड टू मी। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैड टू डांस। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हैड ही होता, पहले से हैड होता और उसने कहा होता कि आई हैड टू डांस, तो हमारा सेंटेंस क्या बनता, इसको ध्यान से देखिए, क्या बोलता मैं, ही टोल्ड मी दैट ही Had had to dance, क्योंकि अगर had to लिख के आएगा तो उसे दो बार की had में बदलना होगा, यानी had to को had had to में बदलना होगा। ये सेंटेंस हमारा पास्ट इनफिनिटिव का कहलाता है और ये हमारा किसका कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट का कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को वॉच करते रहिए, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।